अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा आदाब नाजरीन, मैं काजी हाफिज मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ क़स्वा 7 न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन, देखते हैं आपकी ताज़ा और अहम खबर। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का क़स्वा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में चांद रात से शहर हैदराबाद के इलाके उप्पल में मौजूद मस्जिद कुतुब शाही में रोज़ाना नमाज तरावी में तीन पारे सुनाने की सआदत हासिल की जा रही थी। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर नमाज ईशान जो कि ठीक 8:15 पर मुनक़िद है, यहाँ पर रोज़ाना हज़रत मौलाना सैयद अब्बास बिन ज़की साहब क़ासिमी मद्दज़िल्लाहु अली अंबरपेट के मदरसा तजवीदुल कुरान के उस्ताद मोहतरम की ज़ेर निगरानी में और इनकी जानिब से रोज़ाना नमाज तरावी में तीन पारे सुनाने की सआदत हासिल की जा रही है। यहाँ पर 9 रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ख़त्म कुरान का एहतमाम किया गया। ख़त्म कुरान के मौके पर तमाम मस्जिद अराकीन कमेटी के मेंबरान और मुसल्लियान की जानिब से हज़रत मौलाना सैयद अब्बास बिन ज़की साहब तहनियत पेश की गई। गुलपोशी वशालपोशी करते हुए तमाम ने शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है नाज़रीन के मौलाना साहब की जानिब से बड़े ही बेहतरीन अंदाज में नमाज तरावी पढ़ाई जा रही थी, जिसके चलते यहां पर आवाम की कसीर तदाद नमाज तरावी में शरीक हो रही थी। हजरत मौलाना अब्बास बिन ज़की साहब ने अंबरपेट के इलाके में भी कई सारे बेहतरीन खिदमात अंजाम देते हुए ये आवाम के लिए राहती काम अंजाम देते चले आ रहे हैं। यहाँ पर पिछले कई सालों से हज़रत मौलाना नमाज तरावी पढ़ाने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। पेशस खसूस में चंद मनासिर क़स्वा 7 न्यूज़ चैनल के साथ।